पाकिस्तान के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए आज 17 देशों के राजनयिकों का एक दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद विदेशी राजनयिकों के दल की पहली आधिकारिक कश्मीर यात्रा है। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है जब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के सांसदों का दल कश्मीर के निजी दौरे पर आया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और राज्य के 2 भाग में बंटने के बाद विदेशी सांसदों का पहला दल था जो कश्मीर के हालात का जायजा लेने पहुंचा था। आज फिर अमेरिका, लातिनी अमेरिका और अफ्रीका के 17 देशों के राजनयिकों का दल 2 दिन के कश्मीर दौरे पर है। अमेरिका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, उज्बेकिस्तान, नाइजर, नाइजीरिया, मोरक्को, गुयाना, अर्जेंटीना, फिलीपींस, नॉर्वे, मालदीव्स, फिजी, टोगो, बांग्लादेश और पेरू, यही वो देश हैं जो अगले 2 दिन कश्मीर के हालात को अपनी नजरों से परखेंगे। ईयू का दल भी कश्मीर जाने वाला था लेकिन कुछ शर्तों की वजह से बात नहीं बनी। रजामंदी के बाद अब ये दल बाद में कश्मीर का दौरा करेगा। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के कई देशों के प्रतिनिधि भी इस दौरे में शामिल होने वाले थे लेकिन व्यस्तता की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। पिछली बार यूरोपीय यूनियन के देशों का जो दल कश्मीर गया था वो निजी यात्रा बताई गई थी लेकिन इस बार का दौरा औपचारिक बताया जा रहा है। 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के हालात से दुनिया को रूबरू कराने की सरकार की ये पहली कोशिश है। विदेशी राजनयिक 2 दिन के दौरे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विदेशी राजनयिक कश्मीर के स्थानीय नेताओं मुजफ्फर बेग, जफर इकबाल मनहास, नूर मोहम्मद, दिलावर मीर हसन मीर, हाकिम यासिन से मिलेंगे। इन नेताओं को पहले हिरासत में लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। ये दल सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात करेगा। मुझे यूरोपियन यूनियन के कश्मीर जाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि अपने देश के MPs को, अपने देश के विपक्ष के नेताओं को ये सरकार जाने नहीं देती तो विदेश के MPs और विदेश के लीडर्स कैसे जा रहे हैं। और ये अपमान जो भारत के पार्लियामेंट का हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी का है, ये अपमान मुझे नहीं समझता है कि देशवासी इस अपमान को बर्दाश्त कर पाएगा। निश्चित रूप से सरकार को इसका भी जवाब देना होगा। दिल्ली से कमलजीत संधू और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।